हेलो भाई डियो फैमिली, क्या हाल चाल है भाई सबके। स्वागत है फिर एक बार आपका जस्ट एक सिनेमा अपडेट्स के एक और नए एपिसोड के अंदर। और आज का अपना एपिसोड नंबर है 269। तो चलो शुरू करते हैं। फिर आज की अपनी सबसे पहली अपडेट है एसएस राजामौली की बाहुबली फ्रेंचाइज से, जहां कल बाहुबली की एनिमेटेड सीरीज बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड के प्रमोशनल इवेंट पे एसएस राजामौली ने कहा कि वो बाहुबली की इस दुनिया को और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक्सपेंड करेंगे। उनका कहना है कि इंडिया में किसी एक बड़ी फ्रेंचाइज का होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब हुआ कि फ्यूचर में हमें बाहुबली 3 भी देखने को मिल सकती है। बाकी इस सीरीज का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है और ये सीरीज स्ट्रीम होगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर 17 मई से। वहीं आगे बात करें तो एक बड़ी खुशखबरी इस वाले एपिसोड में भी दे देता हूं आप सबको। कल पृथ्वीराज सुकुमारन ने एक ट्वीट को रिप्लाई करते हुए लिखा कि प्रशांत नील ने जितनी भी स्टोरीज उन्हें सुनाई है उनमें से शिव मन्नार की स्टोरी सबसे कूल है। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि शिव मन्नार के कुछ अनबिलीवेबल क्रॉसओवर भी है दूसरे यूनिवर्स से। इतना सुनके आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि यहाँ किसकी बात हो रही है। और अब तक हम सोच रहे थे कि देवा के पिता का कुछ कनेक्शन हो सकता है रॉकी भाई के साथ, पर प्रशांत नील के पास तो अलग ही प्लान्स थे। इसके ऊपर आपका क्या कहना है और आपका दिमाग कहाँ तक भाग रहा है कमेंट करके बताना। नेक्स्ट अपडेट है कमल हसन और मणिरत्नम की फिल्म ठग लाइफ से। फाइनली इस मूवी से प्रमोशनल मटेरियल ड्रॉप हो चुका है। अब बेसिकली ये कैरेक्टर का फर्स्ट लुक था जिसको आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। और साथ ही इसी फर्स्ट लुक के साथ उन्होंने ये भी बता दिया है कि इस मूवी के अंदर एक्टर सिलंबरासन टीआर ऑन बोर्ड आ चुके हैं। और जहां तक मुझे पता है तो दुलकर सलमान के किरदार को उनके छोड़ने के बाद एक्टर सिलंबरासन प्ले करेंगे। नेक्स्ट अपडेट है YRF के स्पा यूनिवर्स से, जहां आलिया भट्ट ने अपनी मूवी में एक्शन पैक्ड अपीयरेंस के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है और ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए उन्होंने अपनी डेट्स ट्रेनिंग के लिए छोड़ दी है। और साथ इस मूवी के अंदर आलिया भट्ट एक सुपर सोल्जर होगी। इन सब के अलावा इस मूवी की शूटिंग जुलाई एंड से शुरू होगी और इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में भी इस मूवी की शूटिंग होगी, जो कि ऑलमोस्ट 4 महीने तक चलेगी। अगली अपडेट है अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली LLB 3 मूवी से, जहां इस कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म के मेकर्स को अब सच में कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। जहां डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग इस मूवी के पिछले दोनों पार्ट्स के अंदर जुडिशियल सिस्टम का मजाक उड़ाया गया है और जिस तरह से लीगल प्रोफेशनल जैसे कि जजेस को पोर्ट्रे किया गया है और इसी वजह से उन्होंने मूवी के ऊपर केस फाइल कर दिया है। तो भाई इसी चक्कर में मूवी की फिल्मिंग रोक दी गई है और साथ ही आज इस केस की हियरिंग भी है। अब ये तो कल ही पता चलेगा कि क्या डिसीजन हमारे सामने आता है और किसके फेवर में आता है। नेक्स्ट अपडेट है राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत से, तो इस मूवी को सेंसर बोर्ड से यू सर्टिफिकेट मिल चुका है। साथ ही मूवी का रन टाइम होगा 134.18 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे और 14 मिनट्स। इसके अलावा ये मूवी रिलीज होने वाली है 10 मई को। अब राजकुमार राव की बात हो ही रही है तो उनसे रिलेटेड एक और अपडेट कवर कर लेते हैं, जहां राजकुमार राव और जानवी कपूर की फिल्म मिस्टर एंड मिसिस माही के 3 फर्स्ट लुक पोस्टर्स ड्रॉप किए गए हैं जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा ये फिल्म इसी महीने के एंड में रिलीज होगी यानी कि 31 मई को। आगे बात करें तो एक्टर धनुष की फिल्म रायन का पहला सिंगल जो कल ड्रॉप होना है उसका टाइटल रिवील कर दिया गया है, जो कि है अडंग गाथा असुरन। इसी के साथ एक और पोस्टर भी शेयर किया गया है मूवी से जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। वैसे मैं याद दिला दूंगी इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया है AR रहमान ने। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दिव्या खोसला कुमार और हर्षवर्धन रानी की फिल्म सभी अ ब्लडी वाइफ मूवी का तीसरा टीजर भी ड्रॉप कर दिया गया है। जी हां, पिछले 3 दिनों में इन लोगों ने 3 टीजर ड्रॉप किए हैं। ये फिल्म भी इसी महीने के एंड में यानी कि 31 मई को रिलीज होने वाली है। इसके बाद गैंग्स ऑफ गोदावरी फिल्म का भी एक पोस्टर ड्रॉप किया गया है जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। साथ ही ये फिल्म रिलीज होने वाली है 17 मई को। आगे बात करें तो डायरेक्टर एस शंकर की 3 मूवीज इंडियन 2, गेम चेंजर और इंडियन 3 रिलीज होने वाली है 12 महीने के स्पैन के अंदर, और इसीलिए इन तीनों मूवीज की रिलीज डेट एक दूसरे को अफेक्ट करती है। और इसीलिए ही इंडियन 2 जब डिले हुई तो गेम चेंजर के भी डिले होने के रूमर्स आने लगे। अब पहले भी हमने आपको बताया था कि इंडियन 2 जून से डिले होकर जुलाई में शिफ्ट हो चुकी है और रिसेंटली कुछ सोर्सेज से हमें मूवी की रिलीज डेट पता चल गई है, तो इंडियन 2 पॉसिबली 17 जुलाई को रिलीज हो सकती है मुहर्रम के वीकेंड पर। और इसके अलावा इंडियन 2 का 5 दिन का एक सॉन्ग शूट बाकी है जो कि मई में ही कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन 2 के डिले होने के बाद गेम चेंजर के भी रिलीज प्लान चेंज हुए हैं, जहां पहले तो इस मूवी को अक्टूबर में आना था, वहीं अब मेकर्स अक्टूबर से जनवरी तक की डेट्स पर डिस्कशंस कर रहे हैं। और लास्ट में इंडियन 3 2025 के समर में कभी भी रिलीज की जा सकती है। और आज की अपनी लास्ट अपडेट है पंजाबी फिल्म कुड़ी हरियाणे वालदी से, जहां इस फिल्म के लिए एमी विर्क और सोनम बाजवा साथ आ रहे हैं। इसके अलावा इस मूवी से 2 पोस्टर्स भी शेयर किए गए हैं जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ओके, देन आज की बातें यही तक रखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो भाई एक लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ कल शाम को 7 बजे, तो टाइम से आ जाना। दिस इज जयस एंड यू वॉचिंग जस्ट एक सिनेमा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।